क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, अगर देखेंगे तो ट्रायंगल है अपना, एक एबीसी ट्रायंगल बना लिया भाई। एबीसी ट्रायंगल हो गया, इसमें बोला है डीई पैरेलल बीसी। अच्छा, एडीबी का मतलब ए एंड बी के बीच में डी है, और एईसी का मतलब ए एंड सी के बीच में ई है, ये दोनों है पैरेलल। फिर क्या बोला भाई कि एसी भी 40 डिग्री है। अच्छा, ए अगर 40 डिग्री है एंड पैरेलल है दोनों लाइन, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण इसको भी 40 डिग्री होना पड़ेगा। चलिए, हमें चाहिए एम डी ए। एम का मतलब होता है मेजरमेंट। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और दिया हुआ है, वो मिसिंग है। हमें जो चाहिए एम डी ए प्लस एम ए डी ई चाहिए, ठीक है। तो डी ए यहाँ पे और ए डी ई यहाँ पे, तो आप खुद सोचिए, एम डी ए प्लस मेजरमेंट ऑफ ए डी ई, इसमें अगर ये 40 डिग्री ऐड करेंगे तो सब जोड़ के 180 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है। तो मेजरमेंट ऑफ डी ए प्लस मेजरमेंट ऑफ ए डी ई कितना हो गया, 140 डिग्री। सो 140 डिग्री किधर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बेसिक था, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट पीआरक्यू का सलूशन मिलेगा आपको डिटेल में। और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।